नमस्कार, मैं दिव्य धरोधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में सोमवार को जेएनयू में छात्रों ने पैदल मार्च निकाला। आज इंडिया गेट पर पहलवानों की तरफ से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने की अपील की गई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2023 तक भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले आईएएस और केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना है। इसके लिए 31 अगस्त तक विकल्प की सुविधा दी गई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर यूपी के कार्मिक विभाग ने मशक्कत शुरू कर दी है। बिहार में राइस मिल विद्युत मोटर चलित 3 HP यंत्र की यूनिट कॉस्ट पिछले साल 50,000 रूपए कृषि विभाग की ओर से निर्धारित थी, जबकि कर्नाटक कृषि विभाग की ओर से 42,700 रूपए तथा पश्चिम बंगाल कृषि विभाग ने इसकी कीमत 48,000 रूपए निर्धारित की है। कर्नाटक से 7,300 तथा पश्चिम बंगाल से 2,000 रूपए अधिक बिहार में इस यंत्र की कीमत थी। मामला कृषि विभाग की यूनिट कॉस्ट कमेटी के सामने आने के बाद इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब राइस मिल विद्युत मोटर चलित 3 HP यंत्र की यूनिट कॉस्ट 42,000 रूपए निर्धारित की गई है। इसमें 50% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। सरकार जन्म और मृत्यु से जुड़े आंकड़ों को वोटर्स लिस्ट से जोड़ने के लिए संसद में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय जनगणना भवन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जो विकास के एजेंडे का आधार बन सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद आज 23 मई से बैंक में 2,000 रूपए के नोट जमा होने शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक बार में उपभोक्ता 20,000 रूपए तक जमा कर सकता है, हालांकि एक दिन में वह कई बार 2,000 के नोट जमा कर सकेंगे। 30 दिसंबर तक बैंकों में नोट जमा हो सकेंगे, वही कैश डिपॉजिट मशीन में 2,000 के नोट जमा होने बंद होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट को लेकर संतों में खासी नाराजगी है। स्वामी प्रसाद ने ट्वीट में लिखा था कि रामराज धोखा है। पहले भी रामराज के नाम पर एक लव्य का अंगूठा काटा गया, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण काटा जा रहा है। जागो, सावधान हो जाओ, रामराज हटाओ और आरक्षण बचाओ। उनके इस ट्वीट पर संतों ने कहा है कि स्वामी प्रसाद राष्ट्रद्रोही हैं, उन्हें जेल भेजना चाहिए। देहरादून से दिल्ली के बीच दौड़ने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। 25 मई को पीएम मोदी देहरादून में इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 2 दिन बाद 11 बजे उत्तराखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। दिल्ली देहरादून रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने से ट्रेवल टाइम और कम हो जाएगा। श्रीनगर में G20 सम्मेलन में भारतीय नीति आयोग के पूर्व CEO और G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि फिल्म शूटिंग के लिए कश्मीर सबसे बेहतरीन जगह है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर घाटी अपनी प्रकृति और सुंदरता के कारण फिल्म निर्माताओं को हमेशा से आकर्षित करती रही है, जिसमें सभी के लिए कुछ न कुछ है। रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में 3 दिवसीय पर्यटन कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है। कला एवं संस्कृति जगत से जुड़े लोगों के लिए दिल्ली में एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र बनाने का ऐलान कर दिया गया है। 18वीं अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला प्रदर्शनी के अवसर पर किरण नादर संग्रहालय के नए इमारत की वास्तुकला का अनावरण किया गया। बता दें कि सिन एस घोष एंड एसोसिएट्स के सहयोग से प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार सर डेविड एडजे द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेट्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी सरकार की नीतियों की तारीफ की। एक सभा को संबोधित करते हुए गारसेट्टी ने कहा है कि भारत देश अद्भुत हाथों में है। भारत का नेतृत्व और वे परिवर्तनकारी नीति जिन्हें भारत और प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में एक साथ लागू कर रहे हैं, और वे सामुदायिक पहलू जो हर उस चीज को परिभाषित करता है, ये सब भारत के उदय का हिस्सा है। यह दुनिया में सबसे रोमांचक साठगांठ है। ज्ञान वापसी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक साथ एक अदालत में किए जाने से संबंधित मांग पर मंगलवार को कोर्ट ने फैसला दे दिया है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने सभी मामले एक साथ सुनने का आदेश दिया है, यानी कि अब 7 मामलों की सुनवाई एक साथ एक अदालत में की जाएगी। केंद्र सरकार देश की जनगणना से जुड़ा नया बिल अगले संसद सत्र में लेकर आएगी। इसमें सभी तरीके के डेटा की ऑनलाइन एंट्री होगी, जनसंख्या से जुड़ी हर एक जानकारी ऑनलाइन होगी। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को आज कोई राहत नहीं मिली है, उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी और टेबल प्रदान करने के उनके अनुरोध पर विचार करें। सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में हुई गड़बड़ियों के आरोपियों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी डिग्री का मुद्दा उठाया था। इसके बाद केजरीवाल और संजय सिंह पर मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने के आरोप लगे थे। इसे लेकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने दोनों के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने दोनों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। अब एक बार फिर से इस मामले में 7 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए दोनों को समन भेजा जाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के धरने
पर बड़ा दावा किया है। बीजेपी सांसद का कहना है कि ये कांग्रेस की मदद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जंतर मंतर पर धरना नहीं दे रहे हैं। ये कहां के खिलाड़ी, इनका खेल हो चुका है, अब ये चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस पर मनीष सिसोदिया के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने सिसोदिया का एक वीडियो शेयर किया और लिखा, क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा है कि क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मार्च तिमाही में जोरदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की आमदनी अनुमान से बेहतर रही है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में बीपीसीएल का स्टैंड अलोन मुनाफा 158.99% की बढ़ोतरी के साथ 6,477.74 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में बीपीएससीएल का मुनाफा 2,501.08 करोड़ रुपए रहा था। दिसंबर की तिमाही में कंपनी ने 1,959.58 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। देश में 2,000 रुपए के नोट पर प्रतिबंध लग गया, तो वहीं दूसरी ओर नकली नोट छापने वाले गिरोह अपने काम में लगे हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना में ऐसे ही गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। सोमवार को पुलिस ने नकली नोट के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पटना के पौस इलाके में यह धंधा हो रहा था। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस छात्र को काम करने वाले वे छात्र हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा वैश्विक एथलेटिक्स द्वारा जारी ताजा पुरुष भाला फेंक रैंकिंग में अपने करियर में पहली बार विश्व के नंबर एक खिलाड़ी बन गए हैं। चोपड़ा 1455 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे। वही ग्रेनाडा के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स से 22 अंक आगे रहे। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक पाने वाले चेक गणराज्य के जैकब वेडलेज 1416 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पिछले कुछ महीनों में भारतीय कप सिरप को लेकर विदेशों में सवाल उठाए गए। पहला मामला सामने तब आया जब गाम्बिया में 60 से ज्यादा बच्चों की कप सिरप पीने से मौत हो गई। इसके बाद भारत में बनकर तैयार हुई कप सिरप को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया था। हालांकि जांच में कुछ भी साफ नहीं हो पाया। इसके अलावा WHO ने एक और भारतीय कप सिरप को खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया था। अब सरकार ने ऐसे मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत किसी भी कंपनी की दवाओं और खासतौर पर कप सिरप को विदेशों में भेजने से पहले सरकारी प्रयोगशालाओं में टेस्ट किया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के हनुमानगढ़ में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और 7 रेलवे क्रॉसिंग पर बने पुलों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नितिन गडकरी ने यहां पर कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए किसानों को अन्नदाता के साथ ही ऊर्जादाता बनाने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर लिखा था कि कांग्रेस की आदत है, जहां कोई नहीं होता है वहां विवाद खड़ा कर देती है। जहां राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वहीं पीएम सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करता है, जिसकी नीतियां कानून के रूप में प्रभावी होती हैं। राष्ट्रपति किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है, जबकि पीएम है। अब इसी पर पलटवार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 69 का हवाला देते हुए मनीष तिवारी ने कहा है कि संघ के लिए एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। संघ के मंत्रियों को भारत के संविधान को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। मुंबई में ईडी द्वारा एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल से की गई पूछताछ के बीच पार्टी प्रमुख शरद पवार सोमवार को संकेत दिया कि कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई से तरूण व्यवस्था की उम्मीदों को पूरा करने से इनकार करने का नतीजा हो सकती है। पवार ने कहा कि उन्हें परेशानी होगी, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना है उससे कभी नहीं भटकेंगे। प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस ने हिंदू धर्म को लेकर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी को ईसाई और हिंदू दोनों ही धर्मों के तत्वों के साथ बड़ा कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को 28 मई को सुबह 7 बजे से हवन पूजन के साथ नवनिर्मित संसद भवन का शुभारंभ करेंगे। वैदिक विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ सुबह से ही हवन पूजा आरंभ हो जाएगा। बता दें कि नए संसद भवन का निर्माण करने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च आया है। नए भवन में कई प्रकार के आधुनिक सुविधाएं भी दी गई है। इसके हॉल में 1224 सांसदों के बैठने का इंतजाम भी किया गया है। भारत के पड़ोसी देशों में मचा हाहाकार अब बांग्लादेश तक पहुंच गया। बीते साल श्रीलंका में आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के चलते सड़कों पर हिंसा दिखी थी, तो इन दिनों पाकिस्तान में उपद्रव के हालात हैं। यही नहीं, इस बीच बांग्लादेश में भी डॉलर का संकट पैदा हो गया और वह कच्चे तेल के आयात की पेमेंट भी नहीं कर पा रहा है। इसी बीच कंपनी ने सरकार से गुहार लगाई कि वे देश के वित्तीय बैंकों को अनुमति दे कि वे भारत को बकाया रकम रुपए में ही चुका दें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को देश में 3रे स्थान पर रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा जल संरक्षण एवं जल संसाधन के प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए उत्तम कार्यों एवं प्रयासों को इस पुरस्कार के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। बिहार की लीची के शौकीन लोगों के लिए बुरी खबर है, हो सकता है